The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. तो दोस्तों कोरोना वायरस के पूलिंग में सैंपल पूलिंग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि भाई डॉक्टर साहब ये पूल्ड सैंपल क्या होता है, क्यों नहीं हम सारे लोगों का एक साथ टेस्ट कर लें दुनिया भर में, तो दुनिया इंडिया भर में, क्योंकि इंडिया के अंदर COVID-19 के केसेस काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिटिकल है कि जो टेस्ट हैं वो ज़्यादा हो पाए, ज़्यादा लेबोरेटरीज कर पाए, और आज के डेट में पॉजिटिव टेस्ट का रेट जो है पता होना वो काफ़ी कम है। यहाँ तक बोला जाता है कि एक पॉजिटिव टेस्ट में ऐसे भी होंगे जिसमें टेस्ट हुआ ही नहीं और ऐसे 50 केसेस उसके आसपास घूम रहे होंगे जो एक्चुअली पॉजिटिव हों। सो ये है, ये सच है। सो इसीलिए पूल्ड सैंपल एक तरीके का स्क्रीनिंग टेस्ट किया जा सकता है जिसमें क्या होगा, एक पूल्ड टेस्टिंग एल्गोरिथम बनाया जाएगा जिसमें क्या होगा, PCR टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग होगा, उसमें स्पेसिमन लिया जाएगा एक पूरे पूल में, मतलब मल्टीपल लोगों से सैंपल्स लिया जाएगा और एक एक पर्सन के सैंपल को टेस्ट करने की जगह सारा का सारा सैंपल जो है उसको इकट्ठा करके मिला के उसको टेस्ट किया जाएगा। तो पूल करेंगे उसको PCR स्क्रीनिंग में, सैंपल को पूल करके मल्टीपल इंडिविजुअल से लेके इंडिविजुअल के जगह पूल डीकन्वोल्यूशन होगा, राइट। तो पूल का अगर वो मतलब वो पूल में मान लो सबके सैंपल ले लिए, बलगम या अंदर का म्यूकोसा ले लिया, उन सबको मिला लिया, अगर उनमें से किसी एक का भी एक में भी वायरस होगा तो वो वायरस वहाँ डिटेक्टेबल हो जाएगा। अगर किसी एक में भी वायरस होगा तो वो एक पूल, मान लो 10 लोगों का पूल ले लिया, 100 लोगों का पूल ले लिया, 100 में से एक को भी वायरस होगा तो वो डिटेक्टेबल हो जाएगा, मतलब वो हमको ये पता चलेगा। ऐसे 100 ग्रुप्स का टेस्ट हुआ तो 100 में से सिर्फ एक ग्रुप है जिसमें कि भाई साहब, या एक या दो या कुछ ग्रुप है जिसमें पूरे के पूरे 100 में से कोई ना कोई एक पॉजिटिव है या ज़्यादा पॉजिटिव है, फिर वो जिस ग्रुप का हुआ वो पॉजिटिव आया उसका फिर एक एक आदमी का टेस्ट करें। ऐसे करके क्या हो सकता है, हम नेगेटिव को आइसोलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, ये दिक्कतें हैं कि आज अगर हमने इन लोगों को टेस्ट करके नेगेटिव बना भी दिया कि चलो 1000 लोगों का टेस्ट कर लिया 10-10 के ग्रुप में 100-100 का पूल बना के, तो इसका मतलब ये नहीं है जो नेगेटिव आए हैं उनमें कल नहीं जाएगा कोरोना वायरस, ये भी है, ये भी सच्चाई है। इसीलिए प्रैक्टिकल बातें सोचनी ज़रूरी है कि ये चीज़ देखो नेगेटिव सैम्पलिंग में की जा सकती है और प्रैक्टिकली इसमें फिजिबिलिटी तब की जा सकती है अगर ऐसी जगह पे हो, और ये किया भी जा रहा है, ये DHR ICMR वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी VRDL किंग्स जोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, वहाँ पे किया जा रहा है, वहाँ डेमोन्स्ट्रेट भी किया गया है PCR करके 5 सैंपल्स को एक साथ करके, उन्होंने फिजिबिलिटी करके उनका ये चेक किया कि 5 में नेगेटिव पूलिंग हो सकती है, 5 के 5 नेगेटिव है, 5 में से एक भी पॉजिटिव है, तो फिर 5 को चेक करके पता किया जा सकता है कि भाई किस ग्रुप में पॉजिटिव किस ग्रुप में नेगेटिव हो। मगर यहाँ पर जैसे हमने बताया 100-100 सैंपल्स को नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रैक्टिकली हम 5 सैंपल को कर सकते हैं, तो 5 सैंपल्स को पूल किया जा सकता है, तो फिर भी 5 गुना कम हो जाना अच्छी बात है, 5 times रिड्यूस यानी 5 गुना ज़्यादा लोगों का टेस्ट हो पाए ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये भी हम उसके भी कुछ रिकमेंडेशन आए हैं कि ये पूलिंग जैसे RT-PCR की COVID-19 की KGMU की स्टडी के हिसाब से यू कैन यूज़ इट ओनली इन एरियाज जहाँ पर लो प्रिवेलेंस हो, जहाँ पे COVID-19 का प्रिवेलेंस जो है वो कम है, तो इनिशियल मतलब इसमें क्या होगा, इनिशियली वहाँ पर वैसे ही 2% जितने केसेस के टेस्टिंग हो रही है उसमें सिर्फ 2% से कम पॉजिटिव आ रहे हैं, तो फिर 5-5 इकट्ठे करके टेस्ट करो फिर आप, ऐसा रिकमेंडेशन बताया गया, अगर ज़्यादा है तो एक एक करके करो, राइट, 2% से ज़्यादा है क्योंकि वो, और प्लस आपको उसके केसेस में कि आपके एरिया में नंबर ऑफ केसेस बढ़ तो नहीं रहे उस पर भी नज़र रखनी है, अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो फिर आपको एक एक करना पड़ेगा, पूलिंग नहीं कर सकते। और जहाँ पर 2 से 5% ऑलरेडी पॉजिटिव आ रहे हैं केसेस, 2 से 5% का मतलब क्या है कि 100 लोगों की टेस्टिंग हुई तो 5% लोगों में पॉजिटिव आया है ऐसे में, तो उस केसेस में PCR स्क्रीनिंग हर एक लोगों में करनी चाहिए, इंडिविजुअली करनी चाहिए, कॉन्टैक्ट की करनी चाहिए, हेल्थ केयर वर्कर की करनी चाहिए, एक्सेट्रा सबकी करनी चाहिए, ऐसा है, पूलिंग वूलिंग नहीं होनी चाहिए उसमें, फिर 2 से 5% में। ये रिकमेंडेशन है ICMR की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और
पूलिंग ऑफ सैंपल्स उस एरिया में तो कतई भी रिकमेंडेड नहीं है जो कि हॉटस्पॉट है, जहां 5 से ज्यादा % ऑफ केसेस आ चुके हैं, उस एरिया में कतई भी नहीं कर सकते। सो पूलिंग ऑफ सैंपल्स में 5 पूलिंग कर सकते हैं, 100-100 की पूलिंग नहीं कर सकते, और प्रेफरेबल नंबर 5 है। ऑल्दो मोर देन टू सैंपल्स कैन बी पूल टुगेदर, बट ये पॉसिबिलिटी याद रखिए, नेगेटिव मिस कर देना अपने आप में डेंजरस चीज़ है, इसीलिए कम से कम लोगों को पूल करने के लिए बोला गया है। ये पूलिंग का रिसर्च है और इसमें और रिसर्च चल रहा है, हो सकता है रिकमेंडेशन बदले। ये रिकमेंडेशन अभी आपको डायरेक्टली ICMR के जो गाइडलाइन आई है, जो रिकमेंडेशन आई है, उससे हम बता रहे हैं। तो पूलिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ गया होगा, पूलिंग ऑफ सैंपल्स, इसमें सैंपल्स की पूलिंग होती है, मतलब मल्टीपल लोगों से सैंपल लेके इकट्ठे करके टेस्ट कर लो, उसमें नेगेटिव आ गया मतलब सारे नेगेटिव है एक ही टेस्ट में, और एक आधा भी पॉजिटिव एक में भी है तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो फिर एक एक का टेस्ट करो। समझ गए पूलिंग क्या होती है? सिंपल पूलिंग 5 से ज़्यादा लोगों की करना अलाउ नहीं कर रहे हैं या अच्छा नहीं बोल रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट पूलिंग। Hope you like it. If you have any questions, please do ask. Okay?